तो स्वागत है वालों। तो कैसे हो आप सभी? तो गाइस आज को वीडियो में वापस हम आ चुके हैं, मैं वापस अपने माइनक्राफ्ट के सिविल सीजन 2 में। तो गाइस यार, गाइस ये वाली वीडियो में बहुत झक्कास वीडियो होने वाली, क्योंकि गाइस जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि गाइस हमें अभी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड वार के लिए। तो अभी आप लोग बोलोगे भाई एंड वार, तो हाँ मैं आपको पहले बता चाहता हूँ पहले बताने कि एंड वार जो है हमारी पहली हो चुकी है, जिसमें मैं और बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ कि बहुत सारे मेंबर्स बीच में बाद में मीटिंग चली। ठीक है, और उस दौरान फिर क्या हुआ कि एंड वार को मैंने प्रेसिडेंट और बहुत सारे बंदों ने मिलकर ये फैसला किया कि एंड वार जो पहले वाली हुई थी वो इल्लीगल मानी जाए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे प्लेयर्स एब्सेंट थे और इसीलिए जो है वापस से एंड वार होने वाला है। ठीक है, तो अब वापस से एंड वार होगा तो उसके लिए तो भाई मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो गाइस उसलिए जो गाइस अब जो है मुझे अधिकतर कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस मेरे को चाहिए 2-3 आर्मर्स, नेदरराइट आर्मर, उसके बाद कुछ तगड़े तगड़े टूल्स। ठीक है, और कुछ सारे बुक्स, तो यानी कि अपने प्लेयर्स को अब रगेत की ट्रेडिंग करनी है और जितने सारे चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है, पॉइल्स वॉल्स वगैरह जितने भी होंगे। ठीक है, और भाई मैं इसमें थोड़ा अपना मास्टर माइंड दिमाग भी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं अधिकतर करता नहीं हूँ। ठीक है, मेरी पीवीपी स्किल आप लोग उतनी देखते हो नहीं, और सीजन 1 में बस एक ही बार फाइट सीन हुआ था, वो भी यूएलएस के साथ, जिसमें हम लोग गंदा पीटे थे, लेकिन फाइनली हम लोग 2 थे तो इसलिए यूएलएस को हमने लपेट दिया था। लेकिन कहीं सर अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे होने वाले हैं एक एक के लिए, और वो एक किसको मिलता है ये भाई लिटरली बताओ तो भाई ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और अभी कहीं सर बात सिर्फ यहीं तक नहीं ख़त्म होती है। ठीक है, अब बात यहाँ तक आके रुकती है कि भाई अब एंड वार अगर होगा तो ऑब्वियसली वो एंड में ही होगा। ठीक है, तो अब एंड वार का डेट कोई पार्टिकुलरली ऐसे तो कोई फिक्स्ड हुआ नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन कैसे बहुत जल्द वो भी देखने को आपको मिलेगा, फिलहाल तो अभी प्रिपरेशन सब कोई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा सबसे पहले नेदर में, और वहाँ पर एक्चुअली मेरे जितने मैं अपनी बेस को आप एक्सपोज करूँगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बेस को एक्सपोज करूँगा। ठीक है, तो मेरे एक्चुअली 3 बेस ऐसे हैं। ठीक है, एक बेस है मेरे नॉर्मल वर्ल्ड में, दूसरा बेस मेरा नेदर में, और तीसरा भी मेरा नेदर में ही है। ठीक है, एंड में मैंने बनाया ही नहीं है, ऐसे मैं अक्सर एंड में उतना बनाता हूँ नहीं। ठीक है, एंड में क्यों इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि एंड में मतलब वापस आने जाने में थोड़ा सा लोचा मेरे को सही नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो भाई नेदर में मेरा लोग कॉमन है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल अपने बेस से भी थोड़े मोड़े सामान उठाने वाला हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं नेदरराइट इंगट जितना हो सके बनाऊँगा, और बीच में भाई मेरे को जितना भी हो सके, क्योंकि ये नेदरराइट आर्मर एक से मेरा काम नहीं चलने वाला, इतना मुझे पता है। ठीक है, और अब मतलब एंडर एग जो है मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा भाई, मतलब लिटरली बताओ तो यार टू मच एक्साइटमेंट। ठीक है, और भाई सीरियसली तो अभी बताओ मैं कि भाई दिल से बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम जो है इतने सारे बंदे भाई किसी सीजन में भाई एंड वर्ड होने वाला है। ठीक है, सीरियसली, क्योंकि सीजन 1 में हमने एंड को ही बैन करके रखा था, तो एंड वर्ड सा कोई सीन तो था नहीं वहाँ पे। लेकिन बाय द वे अभी यहाँ पे एंड वर्ड की अपनी तैयारी करते हैं, तो फिलहाल अपने नेदर में जाते हैं। यहाँ पे मैं जनदेशी नेदर जाता हूँ, वहाँ पे भाई पिलग्रिम्स भैया लोग जो है यहाँ पे हमला बोल देते हैं भाई, मतलब ठीक है, मतलब भाई गोल्ड के सामान दिखते नहीं तो भाई अजनबी समझ के भाई मार देते हैं, वो अलग बात है कि भाई इन लोग के लिए मैं अजनबी हूँ, लेकिन फिर भाई मारा मत करो यार। ठीक है, और फिलहाल तो इसी बीच में जो है एक प्लेयर नाम का एक हैकर आ गया था, तो उसे हैकर ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली गाइस यार वो एक तो भाई बेमतलब का, मतलब ऐसा भाई बोलो तो भाई उसे भाई कोई बोल, कभी वो बोलता है कि भाई उसने उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया, कभी उसने बोल कोई बोलता है कि उसने उसको यूएलएक्स ने बुलाया, कभी कुछ बोलता है, तो भाई एक्चुअली अब भाई एक्चुअली वो बंदा बहुत ज़्यादा डेंजर बंदा है, सच बताऊँ तुम्हें। ठीक है, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गाइस सर वो जब भी उसे किक करता था तभी भाई वो कभी मैं उसे विजिटर बनाता था तो मेंबर खुद बन जाता था। ठीक है, मतलब एक्चुअली गाइस सर ऑपरेटर को इज्जत ही नहीं है, बस सीरियसली यार। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसे भाई बोल देंगे भाई पीसी के साथ खेलना, ठीक है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बस तुम पीसी के साथ खेलना। ठीक है, अब रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, ज़्यादा कुछ क्या ही कर सकते, क्योंकि प्लेयर के लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आता था, तो बैन तो खा करेंगे। ठीक है,
जो भी है। तो अभी हम लोग उसके बाद अपने बेस में जाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा क्लिप देख सकते हो आप मेरे बेस का, ठीक है। अब मैं खुल के नहीं दिखाने वाला, ठीक है, क्योंकि भाई अभी आजकल बेस में बहुत तोड़फोड़ की जा रही है। फॉल केस का लगातार कंटिन्यूसली बेस को भाई प्रेसिडेंट तोड़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पॉन के बाहर आप तोड़फोड़ कर सकते हो, वो इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्पॉन के अंदर ही हमारी पावर मतलब प्रेसिडेंट की पावर चलती है, ठीक है। और फिलहाल तो कोर्ट का जो है हाल बुरा हाल है, और ना ही कोर्ट का हाल बस ठीक है, और ना ही टाउन हॉल का, ठीक है। और टाउन हॉल पता नहीं कब जाके पूरा कम्प्लीट हुआ, कोर्ट कम्प्लीट हो जाता लेकिन फिर भी अभी भी हवा में टंगा हुआ है, क्योंकि कोर्ट को भी किसी ने 12 हाल करके रखा है कोर्ट का भी। वेल वो सब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, और नहीं भी हुआ तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई डिसीजन हम लोग स्पॉन में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस, और डिस्कॉर्ड भी है, ठीक है। तो वेल, तो आज के इस वाले वीडियो में तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे फिर थोड़ी मोटी हमारी चुगल फुर्ती भी थी इस वाले वीडियो में फॉल केस के साथ। तो फॉल के साथ हम लोग वीडियो थोड़ी मोड़ी बकचोद करते हैं, और भाई इनका गेमर टैग जब हाइड हो जाता है स्किन नाम से आते हैं, तो इन्हें लगता है कि मैं नहीं पहचान ही नहीं पाऊंगा, जबकि मैं इनकी स्किन से भली भांति परिचित हूँ, ठीक है। वेल, तो वैसे आज के वीडियो से इतना ही, तो होप करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि एंड वार के लिए मुझे और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि मुझसे बेहतर आप जानते हो वार में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं तो भाई फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ। तो सी यू अगेन।